तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बताने वाला हूँ कि एडमिशन फॉर्म बनाने का सेकेंड पार्ट के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एडमिशन फॉर्म आज मैंने तैयार किया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर नीचे देख सकते हैं। आज मैंने बॉक्सेस नहीं बनाए, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर की जगह बॉक्सेस बनाए। यहाँ पर ये भी मैं लाइन रख सकता था, बट एक बना दिया बॉक्सेस। तो यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ एक लाइन की तरफ से, मतलब एक लाइन लगा के, और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग किया मैंने, हल्का सा। तो यहाँ पर ऑफिस यूज़ ओनली मैं कुछ रखा है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जो मैंने रखा है ऐसे रखा है, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट एक ही है, तो यहाँ पर मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ कंट्रोल एन करके। तो यहाँ पर एक एक करके हम इसको देखेंगे और इसी तरह से हम बनाते रहेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, पेज की सेटिंग। पेज की सेटिंग में क्या करेंगे, आप पेज लेआउट में जाएंगे और जाके यहाँ से कोने से पेज सेटअप ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम का जो ऑप्शन है वहाँ पर 0.4 आपको करना है, हर जगह 0.4 आपको करना है, ठीक है। ओके ये हो गया 0.4 हो गया, ओके कर देते हैं। तो इस तरह हो गया। उसके बाद क्या करना है, एक पेज बॉर्डर लेना है जो कि आपको मिलेगा होम बटन इंसर्ट में। जब आप जाएंगे तो इंसर्ट में आपको यहाँ पे पेज लेआउट पे आपको मिलेगा, इंसर्ट में नहीं सॉरी, पेज लेआउट पे आपको मिलेगा ये पेज बॉर्डर, ठीक है। पेज बॉर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स लेना है, और इसकी जो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फिर बॉक्स क्लिक करता हूँ, चलो छोटा ही कर देता हूँ, ओके क्लिक करता हूँ, ओके ये बॉर्डर हो गया। तो ये दो सेटिंग आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो जो है, जैसे कि ये वाला है, तो यहाँ पर लर्न इट वेरी इजी, ये परफेक्ट कंप्यूटर स्कूल, आपका अगर होटल भी, अगर होटल में अगर आपका होटल है उसमें अगर स्टाफ को लेना चाहते हैं तो वहाँ पर लिख सकते हैं, आपका कोई स्कूल है उसका भी बना सकते हैं। तो एक सिंपल एक तरीका बताया मैंने, इससे भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करें। तो इंसर्ट पर चलेंगे और वर्ड आर्ट में चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, और इसको पहले यहाँ से फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको यहाँ से बड़ा कर दिया था, और फिर इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से छोटा किया था, उसके बाद ये पकड़ के इसको मैंने ए साइज़ किया था, थोड़ा सा और छोटा कर दिया, उसके बाद मैंने ऐसे बीच में ऐसे सेट कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऊपर नीचे अभी सेट करेंगे। तो यहाँ पर एक फ़ोटो लगाने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ यहाँ पर फ़ोटो लगाने के लिए, हो गया, ठीक है। और इस लेफ्ट साइड में लोगो लगाने के लिए मैं एक शेप ले लेता हूँ गोल टाइप का, और लोगो का भी तो इसको ऐसे सेट कर देते हैं, इसे आपको अपना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर शेप फिल में जाके मैंने लोगो लगाने के लिए मैंने दो तरीका बताया था पिछले वीडियो में। तो या तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ये जो फिल कलर में देखिए, ये जो भी आप ग्रिड लाइन करेंगे तो भी फिल कलर हो जाता है। तो यहाँ से पिक्चर हम लेंगे, और पिक्चर्स के अंदर यहाँ पर मेरे पास है एक लोगो है जो मेरा चैनल का लोगो है, वो इस तरह से हो गया। और इसकी जो बॉर्डर की लाइन आउटलाइन, वो मैंने ये कलर लिया था, और इसके आउटलाइन को थोड़ा सा मैंने बड़ा भी कर दिया था, थोड़ा मोटा कर दिया था ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर आप फोटो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखना है, तो देखिए अगर आपका माउस, अगर कर्सर आपका यहाँ है, अगर यहाँ से आप नीचे आना चाहते हैं तो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो देखिए एंटर करने से क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे एंटर करेंगे देखिए सारे लेटर को भी ये नीचे ला रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ लोग पूछे, तो जहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, जैसे यहाँ से लिखना शुरू करना, तो यहाँ पर माउस को क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। फिर टैब बटन का इस्तेमाल करिए, और देखिए टैब बटन से यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ई से वैसे एंटर कर दिया, और मैंने लिख दिया ए परफेक्ट कंप्यूटर इसको, ठीक है। और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, और थोड़ा सा इसकी साइज़ मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ से इसके शेडो का ये वाला कलर ले लिया, ठीक है, यहाँ से स्पेस डाल दिया, बस हो गया। उसके बाद एंटर किया, तो जब आप जिस लाइन से आप एंटर करते हैं अगला लाइन आपका इसी तरह से ही टाइप होता रहेगा। देखिए मैं टाइप करूँगा वैसे ही टाइप होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको साइज यहाँ से आपको 12 कर लेना है, और यहाँ से बोल्ड इसको हटा देना है, और इसको नो फिल कर देना है, ठीक है। नो फिल ना भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। पहले मैं क्या लिखा है, यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी लिखा है, और यहाँ पर एड्रेस मैंने नहीं डाला है, पिछले वीडियो में डाला था एड्रेस, अब एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ोन और ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और एडमिशन फॉर्म कैसे लिखना है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल एल से लेफ्ट इंडेंट ले लेता हूँ, और उसके बाद टैप करके यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ
सॉरी, ये तो फ़ोन नंबर, यहाँ पर कोई भी जो भी फ़ोन नंबर आपका है डाल दीजिए कॉमा लगा के। ईमेल आईडी, आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो आप डाल देंगे, एक्स वाई जेड जो भी है, जो भी आपका जिसमें। तो यहाँ पर इसे कंट्रोल एरर से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, इसको कंट्रोल ई कर देते हैं तो ये सेंटर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, परफेक्ट कंप्यूटर स्कूल और फ़ोन नंबर के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम कम भी कर सकते हैं, अभी बाद में करेंगे। एडमिशन फॉर्म यहाँ पर लिख लेते हैं, एडमिशन फॉर्म लिख लिया, और एडमिशन फॉर्म को मैंने क्या किया था, रेड कलर का इसके हाईलाइट किया था, और इसके लेटर का जो कलर है वो वाइट कलर है, तो उस सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ से वाइट कर लिया, और इसकी थोड़ा सा साइज हमने बड़ा कर लिया और इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इसके एक स्पेस और कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में थोड़ा गैपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, गैपिंग ठीक करना है, उसके लिए यहाँ पर जाना है आपको। देखिए पैराग्राफ ऑप्शन पर पहले से वन ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से जाना है आपको फिर से लाइन स्पेस ऑप्शन पे, जहाँ पे आफ्टर वाला 10 PT है वहाँ पे आपको ज़ीरो कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, ये आपका आ गया, और आप चाहते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस रख देते हैं, तो यहाँ से कभी 1.5 कर लीजिए, देखिए थोड़ा डिस्टेंस हो गया, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है फॉर्म नंबर और उसके बाद डेट, तो देखिए मैं कैसे डाला है फॉर्म नंबर डेट, तो यहाँ पर एंटर कर दिया, और उसके बाद चलिए दोबारा एंटर करके कंट्रोल एल कर दिया। ठीक है, और टैप कर दिया। अब यहाँ पर इसकी जो साइज़ है उसे हमें 12 करना है। ठीक है, 12 साइज़। ठीक, और यहाँ पर इसकी कलर जो है ऑटोमेटिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बोल्ड भी हुआ पड़ा है, देखिए बोल्ड को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्म नंबर, तो देखिए फॉर्म नंबर ये 18 साइज़ में अभी भी आ रहा है, तो क्या करना है सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप साइज़ को छोटा कर लीजिए। ठीक है, फॉर्म नंबर हो गया, और यहाँ पर आपको बताया शिफ्ट के साथ कीबोर्ड का जो माइनस बटन है ऊपर के साइड में, ऊपर की जो नंबर साइड नंबर होता है कीबोर्ड के ऊपर, एक तो राइट साइड होता है एक ऊपर के साइड होता है, जिसमें F1 F2, उसके पास जो प्लस बटन है बैक स्पेस के बगल में, उसके बगल में अंडरस्कोर का बटन होता है, वहाँ से आप इसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये डेट थोड़ा सा मैं इधर लाइन बढ़ा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्या करना है, देखते हैं क्या लिखा है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, आपको जो अच्छा लगे और इसमें फॉर्म में आपको चाहते हैं जानना कैंडिडेट्स के बारे में, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, एक एंटर और करिए, टैप करिए, यहाँ पर मैंने दो एंटर किया है गैपिंग के लिए, डेट ऑफ बर्थ है और ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर देखिए सारे चीज़ें आपको इस तरह से लगाना है, अगर आपका टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा तो अच्छा है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी टाइप भी हो जा रहा है, तो यहाँ पर डबल एंटर फिर एक टैप किया तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखते क्या है, फादर्स अब्लिक गार्जियंस नेम क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है, ये हमें डालना है। ठीक है, आप और भी डाल सकते हैं, कुछ भी और भी डाल सकते हैं, फादर के बारे में और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन में, ठीक, गार्जियन नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये हमने डाल दिया, और इनकी जो ऑक्यूपेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें ये हो गया ऑक्यूपेशन। ठीक है, हमने डाल दिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या देखना है हमको, नेक्स्ट में हमें देखना है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, तो है बॉक्सेस वगैरह बना के मैंने चिपका है, फिर परमानेंट एड्रेस, फिर प्रेजेंट एड्रेस, चलिए कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर जब आप डालेंगे तो बॉक्सेस बनाने का जो तरीका मैं दोबारा आज फिर बता दूंगा, CONTSC कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर बॉक्सेस बनानी है। ठीक है, तो बॉक्सेस बनाने से पहले चलिए बनाए लेते हैं, पहले क्या करेंगे, चलिए बनाते हैं बॉक्सेस। सबसे पहले बॉक्सेस को यहाँ से एक बॉक्सेस लेंगे और यहाँ पर आप कोई भी ड्रॉ कर लीजिए। अब इसके साइज़ को हमें सेट करना है, देखिए पहले मैं जो साइज़ बताया था तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर 23 ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ले लीजिए सिर्फ 3,
देखते हैं कैसे साइज आता है। इस इतने में मोबाइल नंबर का एक डिजिट डल जाएगा, हाँ डल जाएगा, ठीक है ये साइज ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइज है, साइज़ को आप 3-4 कर सकते हैं, तो 4 बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। चलिए इसको कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल होल्ड करिए और इसको ड्रैग कीजिए। देखिए 2, 3, 4, 5। अब इसको माउस की माउस छोड़ के कीबोर्ड की एरो की मदद से इसको हम यहाँ से ऐसे सटा सटा देंगे, सबके साथ में जोड़ देंगे, ठीक है ठीक है। इस तरह से आप लेंगे, यहाँ पर कभी आप टेबल का इस्तेमाल मत करिएगा तो आपको डिस्टरबेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 हुआ, अब 5 करना है शिफ्ट प्रेस करके, मतलब होल्ड करके इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ग्रुप करनी है, जो मैं सारे वीडियो में बताता रहता हूँ। ग्रुप करेंगे तो ये हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल होल्ड करके जब खींचेंगे तो ये सिंगल पीस में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 10 डिजिट डालने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर का डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एंटर कर दीजिए, दोबारा एंटर कर दीजिए, क्योंकि हमको कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे क्या लिखना है, शायद एड्रेस था, देखते हैं। हाँ, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर सिर्फ लाइन लगाने का ही तरीका है, बस लाइन लगाते रहिए, एंटर करिए, दोबारा एंटर करिए, टैप करिए, फिर उस तरह से लाइन लगाए शिफ्ट होल्ड करके। हम 2 लाइन यहाँ पर लेंगे हर एड्रेस का, ठीक है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर हो गया, कुछ छूट गया तो फिर भी देख लेंगे एक बार। प्रेजेंट एड्रेस, स्पेलिंग गलत, ठीक है, ये DDD होना चाहिए, अब ठीक है। चलिए प्रेजेंट एड्रेस भी इसी तरह से सेम एज इट इज़। आप दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने में थोड़ा सा जो है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लग जाता है, तो आप थोड़ा सा धीरे रख के वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से बना सकते, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद तो आप बहुत जल्दी जल्दी इसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है देखते हैं, हमारे में क्या है इसके बाद, नीचे आते हैं। इसके बाद क्या है कि फादर्स और गार्जियन सिग्नेचर है और इधर एप्लीकेंट सिग्नेचर, ये दोनों होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर फादर्स गार्जियन सिग्नेचर करते हैं, इधर एप्लीकेंट सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक एंटर और कर लेते हैं, टैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिग्नेचर के लिए लाइन लगा लेते हैं, फिर टैप बटन का प्रयोग करके थोड़ा सा आगे आइए और इसको एक और लाइन खींचिए, ठीक है। उसके बाद एंटर करिए और यहाँ डबल एंटर नहीं करना है, टैप करिए और यहाँ पर आप लिखिए फादर्स पब्लिक गार्जियन सिग्नेचर, ठीक है। फिर टैप करिए, फिर इस लाइन के नीचे तक आ जाएंगे जब, ठीक है। यहाँ पर स्पेस करके थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकते हैं इसे, एप्लीकेंट सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहते हैं थोड़ा सा बीचों बीच करने अच्छा दिखने कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा अब यहाँ पर स्पेस से भी कर सकते हैं, ठीक है ओके। तो ये सेट हो गया, यहाँ पर एंड में आइए। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिस यूज़ ओनली, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली के लिए कुछ लिख देते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में ये वाला नहीं था, तो चलिए यहाँ पर एक एंटर करके और कंट्रोल ई से बीच में आते हैं, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। ऑफिस यूज़ ओनली में क्या करना है, लेफ्ट इंडेंट में जाते हैं और ऑफिस यूज ओनली में यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, रिसीप्ट का अमाउंट कितना वो लिखा है, रिसिप्ट नंबर भी लिखा है, किस रिसिप्ट नंबर पे दिया है, ठीक है। कैश चेक में दिया है तो चेक नंबर लिखना है, फिर बैंक डिटेल्स, फिर उसके बाद बैंक डिटेल डालना है, कैश होगा तो कैश में टिक हो जाएगा और कितना कैश अमाउंट है यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टाम्प और ऑथोराइज सिग्नेचर जो ऑफिस के सिग्नेचर्स होते हैं और स्टैम्प होते हैं, ठीक है। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं, फटाफट कर लेते हैं यहाँ पर, हम बार बार उसको देखेंगे इसलिए क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि मैं सेम एज इट इज़ बन रहा है कि नहीं, ठीक है। उसको रिसीप्ट रेस और रिसिप्ट नंबर, ठीक है, एंटर कर देते हैं, डबल एंटर करके देखते हैं रिसीप्ट रेस कितना पैसे लिया और यहाँ पर रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नंबर जो आपको रसीद में होता है वो नंबर होता है। यहाँ पर और क्या क्या डालना है देख लेते हैं,
कैश चेक, कैश ऑब्लिक चेक, तो कैश होगा तो कैश, चेक होगा चेक नंबर, कैश ऑब्लिक चेक नंबर, चेक होगा तो चेक, कैश होगा तो कैश। तो यहाँ पर हमने डाल दिया, यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं जगह बना लूँगा अभी। पहले लिख लेता हूँ, सारा टाइप कर लेता हूँ, अगर दूसरा पेज भी चला जाएगा तो भी सेट कर लूँगा। यहाँ पर बैंक डिटेल्स, स्टैम्प और ऑथोराइज सिग्नेचर, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हम डालेंगे बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स में जिस बैंक का चेक होता है वो बैंक पे लिखना पड़ता है चेक नंबर के साथ में। देखिए अब यहाँ पर एंटर करेंगे तो शायद नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, नहीं गया। अब यहाँ पर हमने क्या डालना है, स्टैम्प और ऑथराइज सिग्नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये टैप करके करके यहाँ पर आप चले जाइए नीचे की साइड में, क्योंकि यहाँ पर जो आपको लाइन है ऊपर लाइन डालना है उसके नीचे आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए ये चला गया ना ऊपर, अगर इस तरह का आपको डिस्टरबेंस होगा तो कैसे उसको सुधार सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टैम्प को भी ऐसे कर दिया हमने थोड़ा सा, और टैप करते हुए यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिख दीजिए ऑथराइज। अब देखिए यहाँ पर जो हमने एंटर एंटर किया था, ठीक है, उसी को मैं एंटर को मैं हटा के यहाँ कर जो क्या बोलते हैं आपका जो गैपिंग है उस गैपिंग को मैं एंटर को हटा के गैपिंग को मैं ठीक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जो हमने ज़्यादा बड़ा बड़ा गैप लिया है उसको भी थोड़ा ठीक करूँगा, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है कि गैपिंग आप किस तरह का गैपिंग करते हैं उसकी हिसाब होता है, तो यहाँ पर एक गैपिंग ज़्यादा है तो यहाँ पर मैं गैपिंग ऐसे कर सकते हैं, और इसके बीच में हमें थोड़ा सा ऐसे डाल, सॉरी ये ऊपर का हो गया है, यहाँ डालेंगे तो नीचे वाला ये गैप हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एंटर एंटर हमने किया है उसको भी गैपिंग कम कर सकते थे। चलिए यहाँ पर मैं इस गैपिंग को मिटा देता हूँ, और फॉर इफ ऑफिस यूज ओनली को थोड़ा सा बोल्ड करके थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। और ये जो गैपिंग है इन गैपिंग को कैसे करना है, यहाँ से देखिए आप 1.5 या 2.0 लगता है बाहर चला गया, तो 1.5 करिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक, थोड़ा सा गैप चाहिए तो यहाँ से गैप से बना सकते हैं, ओके। अच्छा बीच में यहाँ पर लाइन लगाना है, तो देखिए ये वाला जो है इस वाले में देखिए लाइन भी लगा हुआ है, गैपिंग भी है, और यहाँ पर सारे चीज़ एकदम सेटिंग सेट है। तो कहाँ हमने ज़्यादा पेज इस्तेमाल किया है उसलिए नीचे का ऑप्शन जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उस गैप को हमें सुधारना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा है वहाँ थोड़ा सा गैप को ऐसे कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो कम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो गैपिंग चाहिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम डबल एंटर किया है, सबसे अच्छा गैप सेट करने का जगह होता है एड्रेस की जगह पे, तो एड्रेस की जगह पे आप गैप को ज़्यादा अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है, एड्रेस की जगह पे। क्यों, क्योंकि एड्रेस की जगह पे आप आसानी से उसे बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमको गैप लगाना है यहाँ से 1.5 2.0, ठीक। अब यहाँ पर जगह थोड़ा सा बच गया है तो ऑफिस यूज ओनली को थोड़ा सा एंटर कर देते हैं, और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक लाइन, ठीक है, ये लगा दिया। अब नीचे जो ऑथराइज सिग्नेचर खिसक गया है उसके लिए क्या करना है, ये जो गैपिंग है इस गैपिंग को भी हमें थोड़ा सा सेट एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, ठीक है। तो तीन लाइन हमने गैप लिया था, इसको हमने एंटर को हटा के यहाँ पर हमने 1.5 का गैप रख दिया, ठीक है। अब ये लगभग सेट हो चुका है, हाँ बिल्कुल सेट हो गया है। अब इस तरह से आप एक आसानी से अच्छे से, देखिए लास्ट में थोड़ा वीडियो लंबा इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ा सेटिंग में, क्योंकि सेटिंग करना भी ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है एक पेज में भरता नहीं है दूसरा पेज चला जाता है, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं उसके लिए था। तो इस तरह से आप आसानी से फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।